काफ़ी सारे पेशेंट हमारे पास में आते हैं, पूछते हैं कि क्या डिप्रेशन का इलाज जो है क्या वो जीवन भर करना पड़ेगा, कितनी दिन गोली खाना। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ डिप्रेशन के गोलियों का सेवन इलाज कितने दिन करना चाहिए। कि हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर दीपक केळकर मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। आपको पता है कि डिप्रेशन 5 से लेकर 15% लोगों को डिप्रेशन एट एनी गिवन टाइम है, मतलब एक समय पे कहीं भी पॉपुलेशन के 5 से 15% लोगों को डिप्रेशन है। और अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स आ रहा है, उसमें से तो ऐसा बताया गया है कि कम से कम 25% लोगों को डिप्रेशन हो सकता है कोई भी एक समय पे पॉपुलेशन। डिप्रेशन काफ़ी वजह से आते रहता है, ज़िंदगी में कोई टेंशन्स है, फाइनेंशियल लॉस है, कोई आप्तस्वकीय जो है उनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, उसकी वजह से हो सकता है, या फिर बिना वजह का अंदरूनी कुछ प्रॉब्लम है तो डिप्रेशन हो सकता है, मतलब केमिकल इम्बैलेंस की वजह से। डिप्रेशन में हम जो इलाज करते हैं, स्पेशली मैं आज जो बताने वाला हूँ दवाइयों के बारे में बता रहा हूँ ना, मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ, तो हम मेडिसिन चालू करते हैं। उसमें SSRI जो ग्रुप है वो मेडिसिन है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टिक इनहिबिटर SSRI बोलते हैं, फिर SNRI बोलते हैं, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रिएप्टिक इनहिबिटर, या फिर ट्राईसाइक्लिक्स है, या फिर माओ इनहिबिटर्स है, जैसे अलग अलग दवाइयाँ जो है वो दवाइयाँ हम पेशेंट को देते हैं। और दवाई का डोज पूरा देने के बाद में 4 से 6 हफ्ते में, मतलब एक्चुअली कम से कम 3 हफ्ते में तो उसका फ़ायदा दिखाई देता है, और 4 से 6 हफ्ते में पेशेंट को 50 से 80% आराम पड़ता है। जैसे ही वो आराम पड़ता है, मगर बीमारी चालू है कंटिन्यूस, मगर आराम दिखाई देता है, जैसे भूख अच्छी लगना या नींद अच्छी आना या उदासीनता कम होना। फिर उस समय होता है कि लोग दवाई बंद कर डालते, मतलब समझो अभी यहाँ पे है नॉर्मल फेस, तो वो ऐसा नीचे गया है, अभी डिप्रेशन हो गया, अब वहाँ दवाई चालू कर दिया, दवाई चालू करने के बाद में फिर से वो उसका मूड अप आना चालू हो जाता है, थोड़ा अच्छा हो गया तो लोग अभी यहाँ दवाई बंद कर डालते हैं। जैसे दवा बंद कर दे, नॉर्मल तो हो ही नहीं है, वो फिर से नीचे जाएगा, और नीचे जाने के बाद में फिर वैसे के वैसे बोल देखो फिर से डिप्रेशन आ गया, दोबारा हो गया। एक्चुअली दोबारा हुआ ही नहीं, वो पहले वाले ही है। तो फिर यहाँ दवाई चालू रखे, मतलब अपने आप ने खुद ने दवाई नहीं बंद रखे, तो कम से कम 6 या 8 हफ्ते में पेशेंट को अच्छा सा आराम हो जाता है और वो नॉर्मल मूड उसका आ सकता है। 6 महीने में तो कम्प्लीटली नॉर्मल, मतलब 6 से 9 महीने तक तो वो कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाएगा, पहले जैसा था वैसा। अब सवाल आता है कि अभी क्या दवाई अभी चालू रखना कि नहीं रखना। तो यूजुअली साइकियाट्रिस्ट के पास में आप जाते हो और साइकियाट्रिस्ट आपको दवाई प्रिस्क्राइब करता है, तो 9 महीने से लेके 1.5 साल तक, मतलब ये पीरियड में कोई भी बीच में डॉक्टर आपको बोल सकते हैं कि दवाई चालू रखो। तब तक अप्रॉक्सीमेटली मैं बोलता हूँ कि भाई 1 साल तक दवाई चालू रखो, 1 साल के बाद में फिर धीरे 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 दवाई बंद कर डालो, और फिर 1-2 महीने में दवाई बंद करके आपका जीवन नॉर्मल हो जाएगा। यदि सेकंड अटैक उसको आता है, मतलब अच्छा होने के बाद में फिर से कभी कुछ हो गया, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद में फिर डिप्रेशन, तो भी लोग पूछते हैं ऐसा कैसा हो गया, फिर से डिप्रेशन कैसा आ गया, फिर आते हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं कि फिर से कैसा डिप्रेशन आ गया। मैं बोलता हूँ कि हार्ट अटैक फिर से नहीं आ सकता। डायबिटीज़ मेलिटस जो है, मतलब डायबिटीज़ कंट्रोल में आ गया और कंट्रोल में आ गया, शुगर नॉर्मल हो गई, फिर से वो अप नहीं जा सकती। क्या मलेरिया फिर से नहीं हो सकता? क्या सरदर्द फिर से नहीं हो सकता? ब्लड प्रेशर की दवाई कितने दिन खाना पड़ेगी? शुगर की दवाई कितने दिन खानी पड़ेगी? मतलब ऐसी काफ़ी सारी बीमारियाँ हैं कि जिनकी दवाई भी बहुत खानी पड़ती है, या डबल डबल अटैक भी आते रहते हैं। तो एक दूसरा अटैक आ गया तो एवरेज में 2.5 से 3 साल तक पेशेंट ने दवाई खाना चाहिए एंटी डिप्रेशंस। अच्छा फिर से अच्छा हो जाएगा वो, 6-9 महीने साल भर अच्छा हो गया तो दवाई बंद कर सकते हैं। मगर उसको यदि तीसरा अटैक आ गया डिप्रेशन का, वो कभी भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि आना ही चाहिए सेकंड या थर्ड एपिसोड, तो फिर एंटी डिप्रेशन जो है वो ज़िंदगी भर उसको खाने पड़ेंगे, छुटकारा नहीं है। और ऐसे कुछ एंटी डिप्रेशंस जो है कि जिनका साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है, ऐसे यदि आप एंटी डिप्रेशन खाते हो
या पेशेंट को प्रिस्क्राइब मतलब करने के बाद में वो लेता है, तो फिर वो ज़िंदगी भर भी उसने खाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह का पेशेंट का दवाई का इलाज है, और उसके साथ साथ पेशेंट को सपोर्ट करना सपोर्टिव साइकोथेरेपी है ना। फिर रैशनल इमोटिव साइकोथेरेपी हम देते हैं उसको, फिर उसको लाइक साइको सोशल सपोर्ट देते रहते हैं, ऐसा अलग अलग बाद में वही है। और सेल्फ हिप्नोसिस भी हम करते रहते हैं, उसको हिप्नोथेरेपी देते हैं, तो वो भी सपोर्टिव सब इलाज है। और ये इलाज करते हैं तो वो अपनी खुद की अच्छी ज़िंदगी पेशेंट जी सकता है। तो यहाँ तो इतना ही है कि पेशेंट का इलाज पूरा होना ज़रूरी है, पूरे डोज में इलाज होना ज़रूरी है। इतना ही है कि यदि डिप्रेशन के पेशेंट को सुसाइड के विचार बार बार आते हैं, या सुसाइड का उसने अटेम्प्ट किया हुआ है, और ऐसा लगता है डॉक्टर को और रिलेटिव्स को भी कि नहीं सुसाइड कभी भी कर लेगा ये, बहुत बार बार मतलब उसके तरफ भाग रहा है, तो इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी ECT देना बहुत ही ज़रूरी है। वो इंडिकेशन है उसका, क्योंकि दवाई का असर आने को 3 हफ्ते से 4 हफ्ते लगते हैं, तब तक हम इंतज़ार नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कुछ भी कम ज़्यादा पेशेंट को हो सकता है। तो ऐसा आप यदि दवाई करते हैं तो पेशेंट डिप्रेशन का पूरा अच्छा हो सकता है। और उसने कुछ बाकी भी देखना ज़रूरी है कि भाई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आने देना है ना, बहुत ज़्यादा काम का लोड लेना, मन के खिलाफ कुछ काम करना, या फिर कोई स्ट्रेस आते हैं तो उस समय अपने आप को बैलेंस रखना। तो उसके लिए आप कंसल्टेंट की हेल्प लेते हैं, काउंसलर की हेल्प लेते हैं, साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेते हैं, तो दोबारा अटैक आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब करो, और बेल का जो चिन्ह आता है उसके ऊपर आप हिट करो, क्लिक करो, ताकि आपको मेरे वीडियो सबसे पहली बार आएंगे, उसका इंटीमेशन आपको सबसे पहले बार आएगा। आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उसको लाइक करो। काफ़ी सारे लोगों को डिप्रेशन है, मैंने बताया, आपके व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर, फेसबुक के ग्रुप के ऊपर ज़रूर शेयर करो। अभी तक इतना ही है। हमारा जो मिशन है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, उसके लिए आपका भी हाथ लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच।